आज हम बात करेंगे ग्रासलैंड हैबिटेट पे। हम देखेंगे हैबिटेट, सबसे पहले हम ये देख लेंगे हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट होती है ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई एनवायरनमेंट, यानी कि कोई ऐसा माहौल जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो बसते हैं, रहते हैं, वहीं पे नशोनुमा पाते हैं। अब जब अगर हम बात करें ग्रासलैंड हैबिटेट की, तो इसके नाम से हमें क्या लग रहा है, ग्रासलैंड यानी ग्रास हम किसे कहते हैं, घास को कहते हैं। और ग्रासलैंड जैसे ऐसी लैंड जहाँ पे ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर घास पे मुश्तमिल हो, जो घास पे ज़्यादातर मुश्तमिल हो। तो यही होता है अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं दूर दूर तक हमें घास नज़र आ रही है, ग्रासलैंड कहते हैं इसे। तो ग्रासलैंड क्या होती है, ग्रासलैंड हैबिटेट ऐसा ऐसी प्लेस या ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो मेनली ग्रास पे मुश्तमिल होता है, यानी कि घास पे। और हमें झाड़ियाँ और दरख्त बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिस तरह इस पिक्चर में तो हमें मुश्किल से कहीं पे झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर क्या है, घास है। यहाँ पर तो हमें दरख्त नज़र भी नहीं आ रहे, तो इसमें बहुत कम हम देखते हैं दरख्त और जो झाड़ियाँ होती हैं वो कम होती हैं, और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर घास होती है। इसके अलावा ऐसी जगहों पर फूल भी उगते हैं, तो यहाँ पर फूल भी हमें मिलते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, जो ग्रासलैंड्स होती हैं ऐसे इलाके होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि तेज़ हवाएं चलती हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो रेनफॉल बारिश होती है वो एवरेज होती है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे बारिश, ना बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिशें यानी ग्रास लैंड में बारिशें जो हैं ये सहराओं यानी डेजर्ट से ज़्यादा होती हैं, यानी कि डेजर्ट में तो बारिशें बहुत कम होती हैं ना। हम जब डेजर्ट हैबिटेट में भी देखेंगे या कि इस जो सहरा होते हैं उनमें बारिशें बहुत कम होती हैं, तो ग्रास लैंड में बारिशें सहराओं से ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जंगलात की, फॉरेस्ट की, तो यानी फॉरेस्ट यानी जंगलात जो होते हैं, जब हम जंगलात की बात करते हैं तो जंगलात में ग्रास लैंड से ज़्यादा बारिशें होती हैं, यानी कि जो अगर हम यहाँ हमने लिखा है लेस प्रेसिपिटेशन देन फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आ जाता है, प्रेसिपिटेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें रेन भी आती है यानी कि बारिशें भी, इसके अलावा स्नो भी होती है, इसके अलावा हेल भी होती है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ओले कहते हैं। तो जंगलात में ग्रासलैंड से ज़्यादा बारिशें, बर्फबारी और झालाबारी होती है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ग्रासलैंड में एवरेज यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम बारिशें होती हैं। अब हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी प्लेस जहाँ जानवर और पौधे आमतौर पे रिहाइश पजीर होते हैं, रह रहे होते हैं, यहीं पे नशोनुमा पाते हैं और यहीं पे रहते हैं, रचते बसते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो ग्रासलैंड हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो चलें उनकी बात कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये देखिएगा कि ये किस पे मुश्तमिल है, ग्रास पे। और ग्रास क्या है, ग्रास आ जाती है हमारे पास प्रोड्यूसर, यानी कि ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन है, इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना अपना फूड खुद प्रिपेयर करने का जो अमल होता है किसके अंदर, पौधों के अंदर। तो यहाँ पर ये ग्रीन है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जब सन की रोशनी इन पर पड़ती है, इनको एयर मिलती है और साथ के साथ वाटर भी। फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होती हैं, जानदार होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, उनकी खुराक ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये घास जो है उनकी खुराक होती है। जिस तरह से क्या आ गए, जिस तरह से हम देख रहे हैं शीप, जिस तरह से बकरे होते हैं, बकरे बकरियाँ, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर गाय नज़र आ रही हैं आपको, हिरन नज़र आ रहा है, इसी तरह खरगोश होते हैं, और हम देखते हैं ज़ीब्रा होते हैं। तो ये क्या है, ये सारे हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं ना, इनके ऊपर फीड करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हर्बीवोर्स। तो ये आ गए हमारे पास हर्बीवोर्स, जिसमें हम देखते हैं शीप यानी कि भेड़ें आ गईं, इसके अलावा बकरे बकरियां, ज़ीब्रा आ गए, गेज़ेल, गेज़ेल क्या होता है, हिरन को कहते हैं, इसी तरह खरगोश, रैबिट्स, काउस यानी कि गायें जिस तरह यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकौड़े भी इसी में आ जाते हैं।
और फिर हम बात कर लेते हैं ऐसे एनिमल्स की या ऐसे जानदारों की जो क्या करते हैं, जो इन हर्बीवोर्स को अपना शिकार बनाते हैं, उनको खा लेते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कार्निवोरस, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानदार जो क्या करते हैं, इन हर्बीवोर्स को अपना शिकार बनाते हैं। या हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं गोश्त खाने वाले जानदार, जिनकी खुराक सिर्फ गोश्त होती है। और कार्निवोर्स जो इनमें हम देखते हैं, जो ग्रासलैंड हैबिटेट में पाए जाते हैं, इनमें आ जाती हैं फॉक्स आ गए जिससे लोमड़ी कहते हैं, वोल्फ यानी भेड़िए आ गए, आउल यानी कि उल्लू, चीता, ईगल्स, इसके अलावा वल्चर यानी कि गिद्ध कहा जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्या था, ये हमारे पास था ग्रासलैंड हैबिटेट। हमने क्या देखा इसमें, ग्रासलैंड हैबिटेट। तो अब हम यहाँ क्या देखने लगे हैं, अब हम देखते हैं कि ग्रासलैंड हैबिटेट को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में क्या कहा जाता है। तो ग्रासलैंड हैबिटेट को या ग्रासलैंड्स को कुछ इलाकों में सवानास कहते हैं, सवानास कहा जाता है। फिर आ जाते हैं पम्पास, इसके अलावा प्रेरी और स्टेप। ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इनको ये नाम दिए जाते हैं, किसको, ग्रासलैंड हैबिटेट्स को। और हम देखें तो दुनिया का एक चौथाई यानी कि हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, इसकी एक चौथाई हिस्सा जो है, कम से कम एक चौथाई हिस्सा यानी कि हम कहते हैं कम से कम 25% जो है वो किस पे मुश्तमिल है, ग्रासलैंड पे मुश्तमिल है। तो आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया ग्रासलैंड हैबिटेट। हमने देखा ये ऐसी जगह होती है जो ज़्यादातर घास पे और घास पे ही मुश्तमिल होती है।